हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य भगवान एक ऐसे देवता है जो हमेशा कर्म के साक्षी बताए गए हैं। जिन लोगों के कुंडली में सूर्य नीच का हो या फिर सूर्य कमजोर हो, उसके लिए विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इस बार मीन संक्रांति 14 मार्च को आ रही है। जिन लोगों के सूर्य संबंधित बाधा है, उनको मीन संक्रांति पर सूर्यदेव की आराधना करना चाहिए, जिससे कि शुभ परिणाम मिलते हैं। वह सूर्य भगवान की कृपा बरसती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस बार 14 मार्च को मीन संक्रांति आ रही है और इसी के साथ में सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए एक विशेष योग भी बन रहा है। अगर सूर्य भगवान की आराधना इस दिन करें तो शुभ परिणाम मिलते हैं। आइए उज्जैन के पंडित से जानते हैं मीन संक्रांति का विशेष महत्व। जी, मीन संक्रांति जो है कि अपने 14 मार्च गुरुवार के दिन पंचमी तिथि के दिन आ रही है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में ये बताई जा रही है। इसमें व्राध्यति योग शुभ योग बन रहा है और बड़ा विशेष योग है। संक्रांति जब कही जाती है, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। हर माह एक संक्रांति होती है, 12 राशि होती है, उसी पर 12 माह कहे गए हैं। 12 माह में 12 संक्रांति होती हैं और ये अब जो मीन संक्रांति आ रही है, मीन संक्रांति में भगवान सूर्य की उपासना करने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है तथा ग्रहों की शांति के लिए मीन संक्रांति में अपन अनेक प्रकार के उपाय कर सकते हैं। तत्पश्चात मीन संक्रांति में सूर्य भगवान का पूजन करें तथा दान धर्म करने से बड़ा महत्व कहा गया है मीन संक्रांति का। उससे अपने भाग्य का उदय तथा अनेक प्रकार की सुख संपत्ति अपने प्राप्त हो सकती है तथा कुंडली में जनित दोष नष्ट हो सकते हैं, इसलिए मीन संक्रांति का बड़ा महत्व कहा गया है तथा अनेक शुभ योग यहाँ पर मीन संक्रांति पे बन रहे हैं। संक्रांति का महत्व जो है कि सूर्य से कहा गया है और सूर्य का ही उपासना यहाँ पर ज़्यादा कही गई है। प्रतिदिन साक्षात देवता के रूप में अपन सूर्य भगवान का पूजन करते हैं और संक्रांति के दिन विशेषकर भगवान सूर्य महाराज को अर्घ देना तथा भगवान सूर्य का पूजन और उसके पश्चात तीर्थ स्नान तथा दान पुण्य का विशेष महत्व कहा गया है। तिलों का दान का विशेष महत्व कहा गया तथा भगवान सूर्य के पूजन का बड़ा महत्व कहा गया है। उससे भगवान सूर्य महाराज की कृपा बनी रहती है तथा जिस प्रकार सूर्य प्रकाशमान होता है, उस प्रकार अपना जीवन प्रकाशमय हो। इस प्रकार भगवान सूर्य महाराज से प्रार्थना कर करके उनका पूजन करना चाहिए, स्नान ध्यान कर करके भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें। तो यह विशेषकर संक्रांति भगवान सूर्य महाराज के निमित्त कहा गया है। उनका पूजन करने से शारीरिक बल तथा मानसिक बल तथा शरीर में तेज की उत्पत्ति होती है, इसलिए भगवान सूर्य का पूजन मीन की संक्रांति के दिन करें तो अत्यंत शुभ योग व्याधित योग जो बन रहा है उसमें भगवान सूर्य का उपासना करें तो बड़ा शुभ माना गया है।